Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to discuss about the investment materials. आज हम देखेंगे कि investment materials क्या होते हैं और कहाँ पे use होते हैं और कितने types होती हैं और इनकी properties क्या हैं और हमें ideal properties कैसी चाहिए एक investment materials की. तो सबसे पहले मैं background knowledge दे दूँ कि investment materials हमने कहाँ पढ़े थे. कास्टिंग प्रोसीजर की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है और उसी के अंदर एक प्रोसेस था. हमने स्टेप्स पढ़े थे, वैक्सिंग, स्क्रूइंग, इन्वेस्टमेंट, बर्न आउट, कास्टिंग और पॉलिशिंग. तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वाला था प्रोसीजर था, स्टेप था, उसके अंदर जो मटेरियल यूज होते हैं वो इन्वेस्टमेंट मटीरियल्स में आते थे. तो सिंपल इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मोल्ड कैविटी. अगर मैं यहाँ से ये कर दूँ तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मोल्ड ड्यूरिंग कास्टिंग प्रोसीजर. हम जब वैक्सिंग करने के बाद उसको बर्न आउट करते थे तो वैक्स गैस बन के निकल जाती थी और उसके इनके जो इन्वेस्टमेंट मटीरियल हमारा पड़ा हुआ था वो मोल्ड कैविटी जनरेट कर देता है. तो उस तरह जो हमें मटीरियल चाहिए वो क्या होते हैं कि स्पेशल मोल्ड मटीरियल प्लेस अराउंड द वैक्स पैटर्न. वैक्स पैटर्न के वैक्सिंग के बाद हम इन्वेस्टिंग जो करते हैं उसके अराउंड हम लगाते हैं ड्यूरिंग कास्टिंग प्रोसेस. अलाउ बर्न आउट ऑफ वैक्स पैटर्न मेक्स मोल्ड कैविटी. मोल्ड कैविटी बनाता है, अलाउ कास्टिंग मेटल विद इन दिस मोल्ड कैविटी. और जब वैक्स पैटर्न निकल जाता है, मोल्ड कैविटी बन जाती है, तो इसी मोल्ड कैविटी के अंदर हमने अपना हाई जो टेम्परेचर पे हमारे मेल्टन मोल्टन अलॉय हैं उसको पोर करना होता है. तो इसको बियर भी करना चाहिए हाई टेम्परेचर. इस तरह का इन्वेस्टमेंट मटीरियल होता है और मोस्ट सूटेबल सिरामिक मटीरियल होते हैं फॉर फॉर्मिंग अ मोल्ड इन टू विच अलॉय इज कास्ट. जो इन्वेस्टमेंट मटीरियल सिरामिक मटीरियल के होते हैं तो हमें कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए, कैसी प्रॉपर्टीज चाहिए इन्वेस्टमेंट मटीरियल की. इट शुड बी इजीली मैनिपुलेटेड. शॉर्ट सेटिंग टाइम होना चाहिए. स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए. स्मूथ सरफेस हो, अनरिएक्टेड हो, कोई बाई प्रोडक्ट ना बनाए. स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर इसकी होनी चाहिए. सफिशिएंट एक्सपेंशन होनी चाहिए क्योंकि हमने जो एक्सपेंशन पढ़ी थी और जो श्रिंकेज पढ़ी थी, हमने दो श्रिंकेज पढ़ी थी. दैट इज वो थी वैक्स श्रिंकेज एंड मेटल श्रिंकेज. वैक्स श्रिंकेज आपकी रेजिडुअल स्ट्रेसेस की वजह से, जब आप वैक्स पैटर्न बना के हटा लेते हो डाई स्टोन पे या डायरेक्ट वैक्सिंग में, तो रेजिडुअल स्ट्रेसेस की वजह से श्रिंकेज होता है आपकी वैक्स पैटर्न में. और मेटल श्रिंकेज ऐसे होती है कि आप हाई टेम्परेचर, क्योंकि मोल्टन स्टेट में होता है उससे, जब आप रूम टेम्परेचर पे आते हो तो वो भी श्रिंक कर जाता है. तो टू कंपनसेट दीज टू श्रिंकेजेस चार एक्सपेंशन होती है इसके अंदर. वैक्स एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, सेटिंग एक्सपेंशन एंड हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन. तो उसके अंदर से इसकी एक्सपेंशन भी होनी चाहिए ताकि ये सारी एक्सपेंशन करवा सके. उसके बाद पोरस हो. पोरस इसलिए क्योंकि जब हम बर्न आउट करते हैं इसको तो वैक्स जब गैस बन के निकलनी होती है तो ये पोर्स होंगे तो इजीली गैस आउट गैस रिलीज हो जाएगी. वरना उसको कोई पाथवे नहीं मिलेगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा गैस रिलीज होने का. तो फिर कंटेमिनेशन हो जाती है और फिर कार्बन के साथ रिएक्शन हो जाता है और वो डिकम्पोजिशन होती है. वो भी आगे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट मटीरियल होते हैं. ये जो टाइप्स है इन्वेस्टमेंट मटीरियल की जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं उसके अंदर जिप्सम बॉन्डेड है, फॉस्फेट बॉन्डेड है एंड इथाइल सिलिकेट बॉन्डेड है. अब हम इन तीनों इन्वेस्टमेंट मटीरियल्स को डिटेल से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सा पहले यूज होता था और प्रेजेंट लाइफ में कौन सा सबसे ज्यादा यूज हो रहा है. मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मटीरियल कौन से होते हैं, ये तीन होते हैं. रिफ्रैक्टिव मटीरियल होता है, बाइंडर होता है और अदर केमिकल्स होते हैं. कोई रिफ्रैक्टिव मटीरियल वो होता है कि जो कि विदस्टैंड करता है हाई टेम्परेचर को. ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, थर्मल शॉक उसको इन्वेस्टमेंट मटीरियल को थर्मल शॉक से रेजिस्टेंट से बचाता है. और इसके अंदर जो कंपोजिशन रिफ्रैक्टिव मटीरियल के अंदर हम ऐड करते हैं दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड. अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सिलिका कहते हैं और आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो सैंड. क्योंकि सैंड पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं, मुख्तलिफ शेप्स होती हैं इनकी, क्रिस्टलाइन मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं, लेकिन ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं. तो इसीलिए इसके अंदर रिफ्रैक्टिव मटीरियल डालते हैं जिसकी वजह से इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है. उसके बाद बाइंडर ऐड करते हैं. गोल्ड कास्टिंग के लिए हम कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट और जो निडर टेम्परेचर ज़्यादा होती हैं उनके अंदर, जैसे बीस मेटल्स के अंदर, तो उनके अंदर फॉस्फेट या इथाइल सिलिकेट हम यूज़ करते हैं. कुछ अदर केमिकल्स भी हैं जो कि रिड्यूसर्स और इंड्यूसर्स और रिड्यूसर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, एक्टिवेटर्स के तौर पर एक्ट करते हैं. उनके अंदर बोरिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम सल्फेट है, इस तरह की चीज़ें हम ऐड करते हैं. तो ये तीन इनकी कंपोजिशन है इन्वेस्टमेंट मटीरियल की. अब सबसे पहले हम जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटीरियल को, नंबर वन है इन्वेस्टमेंट मटीरियल, उसको डिस्कस करते हैं. तो कंपोजिशन इसकी ये है कि 25-35% कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हम यूज़ करते हैं. फिर हम रिफ्रैक्टिव मटीरियल जो कि ये था थर्मल स्टेबिलिटी के लिए उसके हम ऐड करते हैं 65-75%. और इसके अंदर ये क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबलाइट, टर्बिटलाइट ये हम ऐड करते हैं. ये इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है. इनको भी हम आगे डिस्कशन करते हैं कि ये कौन सी फॉर्म्स हैं और ये क्या करती हैं. और कुछ केमिकल मॉडिफायर्स हैं ये वाले NaCl, बोरिक एसिड 2-3% माइनर क्वांटिटी, इनकी भी ऐड करते हैं, इनकी भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं. जिप्सम बाइंडेड के अंदर जो हम टाइप्स यूज करते हैं जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटीरियल, उनके अंदर टाइप 1, 2 और 3 है. टाइप 1 के अंदर हमारी
थर्मल एक्सपेंशन टाइप है जो कि इनले ऑनले बनाने के लिए काम आती है, और जो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन है वो ऑनलेस इनलेस और क्राउंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो कंप्लीट और पार्शियल डेंचर्स है मतलब सबसे ज्यादा एरिया जो कवर करते हैं उनके अंदर टाइप 3 हम यूज करते हैं जिप्सम मॉडर्न वेस्ट मटीरियल, और उनके अंदर जो टाइप 3 है उनके अंदर थर्मल एक्सपेंशन भी होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक दोनों एक्सपेंशन होती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टेंशन सर्फेस, जब हमने डेंटल प्लास्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इम्प्रेशन प्लास्टर 1 होता है, फिर डेंटल प्लास्टर होता है, फिर डेंटल स्टोन होता है, और जैसे जैसे इसको हीट करते हैं तो फिर ये आगे ऑर्थोरोम्बिक में हेक्सागोनल और फिर ऑर्थोरोम्बिक में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी फॉर्म्स इंक्रीज करती हैं। तो उसी तरह ये कि रूम टेम्परेचर से लेकर 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन होती है, फिर 200 पे लेके जाते हैं तो स्लाइड कंट्रक्शन, फिर 200 से 400 पे वो हेमी हाइड्रेट पे चला जाता है तो श्रिंकेज काफी श्रिंकेज होती है क्योंकि डिहाइड्रेशन वाटर रिलीज हो जाता है, डिहाइड्रेशन की वजह से श्रिंकेज होती है, फिर 400 से 700 पे स्लाइडली एक्सपेंशन क्योंकि यहाँ पे वो हमारा हेक्सागोनल और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म्स में आना शुरू हो जाते हैं, तो 700 पे जो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो फिर सल्फर रिलीज करना शुरू कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और वो फिर कंटेमिनेशन कर देता है, मतलब 700 सेंटीग्रेड इसका फाइनल टेम्परेचर है और हम इससे कम टेम्परेचर पे ही कास्टिंग कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो सिलिका एज अ रिफ्रैक्टिव मटीरियल ऐड हो रहा है उसका क्या काम है, उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सैंड पार्टिकल्स हैं जो कि रेगुलेट कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन को, हीट की वजह से जो एक्सपेंशन हो रही है उनको रेगुलेट कर रहे हैं। अब इनके अंदर चार टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की क्वार्ट्ज हैं, क्रिस्टोबलाइट हैं, फ्यूज क्वार्ट्ज हैं क्योंकि हीट की वजह से इनके अंदर सिंकिंग हो जाती है, और ट्राइडिमाइट है, केमिकली सिमिलर होते हैं एक दूसरे के अंदर लेकिन एक दूसरे के साथ केमिकली सिमिलर होते हैं लेकिन इनके क्रिस्टलाइन फॉर्म इनके जो अरेंजमेंट्स हैं पार्टिकल की वो थोड़ी डिफरेंट होती है, कहीं की अरेंजमेंट होती है मुख्तलिफ तरीके से अरेंजमेंट होती है, और जितने भी सारे पार्टिकल्स आगे जब हम इनको हीट करते हैं तो इनकी एक अल्फा फॉर्म होती है और एक बीटा फॉर्म होती है। रूम टेम्परेचर पे इनकी अल्फा फॉर्म स्टेबल जो होते हैं वो ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो रूम टेम्परेचर पे इनकी अल्फा फॉर्म होती है स्टेबल और हाई टेम्परेचर पे बीटा फॉर्म, और हम अल्फा से बीटा फॉर्म करते हैं क्योंकि ये चेंज आपकी स्ट्रेटन हो जाती है, पहले वो रैंडमली ऐसे पड़े होते हैं और बाद में अल्फा से बीटा फॉर्म हम खुद कन्वर्ट करवाते हैं, फिर चेन स्ट्रेटन अप हो जाती है। हम उनको क्यों कन्वर्ट अप करवाते हैं क्योंकि हमें इन्वर्जन एक्सपेंशन मिलती है यहाँ से, फिर चेन जब रैंडमली पड़ी है उसको एक सिंक्रोनाइज तरीके से हम रख देते हैं उसकी वजह से इन्वर्जन एक्सपेंशन होती है, और बीटा फॉर्म चूंकि हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होती है इसलिए हम उनका टेम्परेचर खुद इंक्रीज करवाते हैं ताकि अल्फा से बीटा फॉर्म इन्वर्जन एक्सपेंशन हो, बीटा फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लें अपने क्रिस्टोबलाइट और क्वार्ट्ज वगैरह को ताकि एट द एंड हमें एक्सपेंशन और वॉल्यूम में इंक्रीज मिले। ओके तो आई थिंक यू गेट इट, अल्फा से बीटा फॉर्म 575 में होती है, क्वार्ट्ज में क्रिस्टोबलाइट में कम टेम्परेचर पर हो जाती है और ट्राइडर्मेट पर उससे भी कम टेम्परेचर पर हो जाती है। ये टेम्परेचर आप लोगों ने याद कर लेने हैं, अगर मैं आपको ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वार्ट्ज एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं क्वार्ट्ज का कितना है, अल्फा से बीटा फॉर्म इन्वर्जन एक्सपेंशन क्वार्ट्ज में कितनी भी होती है, क्रिस्टोबलाइट में कितनी भी होती है और ट्राइडर्मेट में कितनी भी होती है, और ओवरऑल एक्सपेंशन सबसे ज्यादा क्रिस्टोबलाइट में होती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम लिखा हुआ कि एक्सपेंशन ऑफ क्वार्ट्ज हाँ जो श्रिंकेज होती है जिप्सम के अंदर और उनके अंदर जो रिफ्रैक्टिव मटीरियल हमने ऐड किया हमने अल्फा से बीटा फॉर्म इन्वर्जन एक्सपेंशन की तो उनको काउंटर बैलेंस कर देती है, इसकी वजह से हमारी साइज का जो एक्सपेक्टेंट का साइज है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। उसके बाद केमिकल मॉडिफायर्स जो कि सबसे कम हमने 2-3% ऐड किए थे उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और बोरिक एसिड NaCl वगैरह हम ऐड करते हैं ये भी स्टेबलाइज करते हैं इसको। अब हम पढ़ते हैं कि एक्सपेंशन इन जिप्सम बॉन्डेड मेस्टमेंट मटीरियल मतलब नॉर्मल एक सेटिंग एक्सपेंशन है और एक हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन है, होती कैसे ये थर्मल एक्सपेंशन, हम जैसे ही इन्वेस्टमेंट मटीरियल को मैनिपुलेट किया जिप्सम बॉन्डेड हमने मैनिपुलेट किया और हीट किया तो उनके अंदर आपको सबको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जब हम प्लास्टर को मैनिपुलेट करते हैं जिप्सम को मैनिपुलेट करते हैं, तो वही बताया हुआ है कि डिपेंड्स अपॉन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस ज्यादा हीट रिलीज करेंगे, ज्यादा हीट करेंगे तो ज्यादा हीट रिलीज होगी एक्सोथर्मिक में और एक्सपेंशन ज्यादा होगी, और ये नीचे बताया गया जिप्सम, और हम वाटर पाउडर रेशियो जितना कम लेंगे मतलब अपनी मटेरियल थिक यूज करेंगे तो हीट एलेबोरेट ज्यादा होगी, ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगा, रिएक्शन रेट और एक्सपेंशन भी उसी तरह ज्यादा होगी, और ड्रायर मिक्स जितना हम ड्राई रखेंगे उतना ही ये हीट ज्यादा एलेबोरेट करेगी और एक्सपेंशन भी ज्यादा होगी। हाई एक्सपेंशन इफ वैक्स पैटर्न हैज थिन वॉल्स, देखिए अगर वैक्स पैटर्न हमारा अंदर है और साइडों पे हमारा इन्वेस्टमेंट मटीरियल है, इन्वेस्टमेंट मटीरियल ऐसे ऐसे सेट हो रहे हैं और वो अपनी सराउंडिंग में एक्सपेंड भी कर रहा है और फोर्स लगा रहा है उसकी सराउंडिंग में वैक्स एक्सपेंशन, ये जो वैक्स मटीरियल वैक्स पैटर्न है ये भी है, तो जब वो इस पे जोर लगाएगा अगर वैक्स एक्सपेंशन वैक्स हमारा पैटर्न उसकी वॉल्स थिन है और सॉफ्ट है तो इस पे वो कंप्रेसिव फोर्सेस लगाएगा तो वैक्स गेट्स कंट्रैक्टेड श्रिंकेज और हमारा जो इन्वेस्टमेंट मटीरियल जो कि जिप्सम है वो फोर्स लगा के थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, तो ये था सॉफ्टवेयर वैक्स के अंदर भी हमारी एक्सपेंशन ज्यादा होगी। और ये एक और बताया गया है कि डायरेक्टली रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ सिलिका एंड टाइप ऑफ सिलिका, हम कौन सी सिलिका ऐड कर रहे हैं, हम क्वार्ट्ज हैं क्रिस्टोबलाइट हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ सिलिका अगर हम ज्यादा करेंगे तो स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, हमने एक
खास क्वांटिटी ऐड करनी, उससे ज्यादा ऐड नहीं करनी हमने, क्योंकि रिफ्रैक्टिव मटेरियल भी ऐड करना है, हमने जिप्सम बॉन्डेड कोहोल भी ऐड करना है, और हमने एट द एंड जिप्सम मॉडिफायर्स भी ऐड करने हैं, केमिकल मॉडिफायर्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl, KCl, ये भी इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट कॉन्ट्रैक्शन कॉज बाय जिप्सम, हेंस लेस अमाउंट ऑफ सिलिका रिक्वायर्ड। हम अब अगर ये हम अगर बोरिक एसिड वगैरह यूज करेंगे तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं व्हेन हीटेड, तो इसलिए हमें इनकी एक खास क्वांटिटी ही चाहिए। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन है, इट इज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स और मोर टाइम्स नॉर्मल एक्सपेंशन, जो कि हमारी ये जो एक्सपेंशन होती है, एक मटेरियल हमारा एक्सपेंड कर गया, उसके बाद हमने उसको हाइग्रोस्कोपिकली एक्सपेंड करवाने की कोशिश की, तो 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमारे जो जिप्सम बॉन्डेड वेस्टर्न मटीरियल होते हैं, इनके अंदर पोरस, ये पोरस मटीरियल होते हैं, इनके अंदर पोर्स होते हैं, और हम इनको एक्सपेंड करवा सकते हैं, इनके पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस होती है, इनके न्यूक्लियर और क्रिस्टल्स हम ग्रो करवा सकते हैं जब हम पानी में इनको इंटरेक्शन पानी में लेके आते हैं। तो अकर्स व्हेन जिप्सम अलाउड टू सेट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, दो तरीके होते हैं व्हेन, जो हमने आपको याद होगा कि जब हमने कास्टिंग रिंग लगाया था, इन्वेस्टमेंट रिंग, तो हमने एक पेपर लगाया था, इन्वेस्टमेंट पेपर या इसका सॉस का था या एल्युमिनो सिलिकेट पेपर था, तो उसके अंदर जो हम वेट लाइनर लगाते हैं उसके अंदर अगर हम ड्रॉप्स अपने डालें पानी के, तो वहां से एक्सपेंशन होती है। दूसरा, हम जब इन्वेस्टिंग कर लेते हैं और इनिशियल सेट के बाद, रिमेंबर दैट अगर इनिशियल सेट जिप्सम हो गया उसके बाद हम उसको पानी में रखेंगे तो इट गेट्स एक्सपेंड, लेकिन अगर फाइनल सेट के बाद रखेंगे तो एक्सपेंड नहीं होगा। डिलेड सेटिंग के बाद हम अगर पानी में रखेंगे तो इतनी अच्छी एक्सपेंशन नहीं होगी। हमने इनिशियल सेट के बाद उसको पानी में रखना है ताकि इनिशियल सेट के बाद हमारे जो न्यूक्लियर क्रिस्टल्स हैं वो ग्रो करेंगे। उसके बाद डिपेंडेंस बताई गई है कि हाई हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन डिक्रीज पार्टिकल साइज, क्योंकि फाइन पार्टिकल साइज होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना पानी अब्सॉर्ब करेंगे ज्यादा। अल्फा हेमी हाइड्रेट शोज मोर एक्सपेंशन इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका देन बीटा हेमी हाइड्रेट, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं और बीटा हेमी हाइड्रेट हाई टेम्परेचर पे होते हैं और वहाँ पे मॉइस्चर फिर बनना शुरू हो जाता है, और हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन में मॉइस्चर एज अ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि हम थर्मली उसको हीट करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन के दौरान मॉइस्चर रिलीज हो जाते हैं। वाटर पाउडर रेशियो अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारी हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि वाटर पाउडर रेशियो ने बढ़ाया और जो न्यूक्लियर क्रिस्टल्स है वो दूर दूर चले गए, अब उनको इंटरमैश करने का मौका ही नहीं मिला, तो वो एक्सपेंड नहीं करेंगे इतना हाइग्रोस्कोपिक। मिक्सिंग टाइम इंक्रीज करने से हमारा रेट बढ़ जाएगा और सेटिंग रेट बढ़ जाएगा और हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन भी बढ़ जाएगी। हमारा जितना इन्वेस्टमेंट मटीरियल ओल्डर होगा, पुराना होगा, उतनी एक्सपेंशन हमारी कम हो जाएगी, न्यूक्लियर क्रिस्टल्स ग्रो ज्यादा नहीं करेंगे, और हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन ये वही बताया गया हुआ है कि इंक्रीज होगी अगर इनिशियल सेट के वक्त करेंगे, और अगर डिलेड इनिशियल सेट की बात करेंगे तो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन नहीं होगी। उसके बाद पोरोसिटी का बताया हुआ है, इसके अंदर जिप्सम बॉन्ड इन्वेस्टमेंट डील में पोरोसिटी होती है, गैसेज एंड एयर मस्ट बी एलिमिनेटेड एज मोल्टन मेटल। हाँ, जब हम वैक्स को हीट करते हैं तो इट शुड रिलीज, वो गैस फॉर्म में होती है तो उन्हें पोर्स के जरिए निकलना होता है, तो क्योंकि जिप्सम बॉन्डेड मटेरियल के अंदर ये एबिलिटी है कि उसके अंदर वो पोरस होता है तो वो वैक्स इजीली निकल जाती है, तो हमें जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल की थिकनेस है, द थिकनेस बिटवीन जो सरफेस है इन्वेस्टमेंट मटेरियल की, जहाँ से इन्वेस्टमेंट मटेरियल स्टार्ट हो रहा है टिल द जहाँ से वैक्स पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, उनका जो थिकनेस है इन्वेस्टमेंट मटेरियल की, इट शुड बी 6 मिलीमीटर, तब ही हमारा इजिली पोरस मटेरियल रिलीज हो जाएगा। और फॉस्फेट के अंदर ये कम होती है, क्योंकि पोरस लेस पोर्स होते हैं, उनके अंदर 3 to 4 मिलीमीटर होती है इन केस ऑफ फॉस्फेट मटेरियल, जबकि ये जो जिप्सम मटेरियल है इसके अंदर हमारे 6 मिलीमीटर वो थिकनेस होती है। उसके बाद बताया गया है कि इंक्रीज जिप्सम क्रिस्टल्स पोरोसिटी डिक्रीज करते हैं, और वाटर पाउडर रेशियो पोरोसिटी इंक्रीज करती है, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज पोरोसिटी इंक्रीज करती है, हमारी यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन पोरोसिटी डिक्रीज करती है, स्टोरेज हमारी, मैंने आपको पहले बताया कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स के हम इसको स्टोर करते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल को, और थर्मली स्टेबल। अगर हम अपने रिएक्शन को हमने पहले डिस्कशन की कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, 200 पे क्या होगा, 400 पे क्या होगा, श्रिंकेज किस पे होगी, एक्सपेंशन किस पे होगी, और 700 पे तो ये डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन रेजिड्यू होता है और कार्बन के साथ फिर हमारा जो प्लास्टर है इट गेट्स इंटरेक्टेड और फिर वो कॉजेज सरफेस कंटामिनेशन कॉज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, और अगर फर्दर इंक्रीज करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, इसीलिए हम इसको बेस मेटल्स के साथ इन्वेस्टमेंट मटीरियल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बेस मेटल्स का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इससे भी ज़्यादा होता है, जबकि हमारा जो जिप्सम मटीरियल है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड के तक ही करता है, उसके बाद ये डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना शुरू कर देता है। तो हम सिर्फ इन जिप्सम बॉन्ड इन्वेस्टमेंट मटीरियल को हम सिर्फ नोबल मेटल्स में यूज़ करते हैं, गोल्ड वगैरह के अंदर, जिनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कम होता है। तो इसकी अच्छी बातें क्या हैं कि इसके अंदर पूल्स है, इसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन होती है, इसके अंदर इन्वेजन एक्सपेंशन होती है, पोर से फिर वैक्सीन रिलीज आउट हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट मटेरियल हम 6 मिलीमीटर इन्वेस्टमेंट थिकनेस हम 6 मिलीमीटर रखते हैं। और इसकी ये बुरी बात है कि ये सिर्फ नोबल मेटल्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, बेस मेटल्स के अंदर हम इसको इन्वेस्टमेंट मटीरियल यूज़ नहीं कर सकते।
और इसके अंदर मेल्टिंग इसका टेम्परेचर जो हाईएस्ट टेम्परेचर है टू बी स्टैंड वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड है, फॉस्फेट का ज़्यादा है, और उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, डेंसिटी कम होती है, फॉस्फेट मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है फॉस्फेट बॉन्डेड मिक्स मटेरियल, सेकंड नंबर, कैन बी यूज फॉर अलॉयज हैविंग मेल्टिंग रेंज अबव 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझ लें कि फॉस्फेट बॉन्डेड थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाइज जिप्सम से अच्छा मटेरियल है, तो इसीलिए ये बेस मेटल्स अलॉयज के लिए यूज़ करते हैं जिनका टेम्परेचर 1000 से ज़्यादा होते हैं। उसके अंदर इसकी कंपोजिशन के अंदर वही है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, फिलर्स हैं, बाइंडर्स हैं और लिक्विड क्वार्ट्ज क्रिस्टोबलाइट, और 80% कंसंट्रेशन इसके अंदर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर थर्मल और हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 1000 से प्लस है। उसके बाद बाइंडर के तौर पर मोनो अमोनियम फॉस्फेट मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ को हो रहे हैं, और लिक्विड के अंदर कोलॉइडल सिलिका सस्पेंशन और वाटर, ये क्या करते हैं एक्सपेंशन करवाते हैं और फ्रीज करवा देते हैं। उसके अलावा इनके अंदर कार्बन भी ऐड की जाती है क्लीन कास्टिंग के लिए, गोल्ड कास्टिंग अलॉयज में, कैसे वो आगे बताता हूँ मैं आपको। इनकी दो टाइप्स हैं, फॉर इंग्लिश ग्राउंड ईथर के लिए और पार्शियल टेंचर्स के लिए, टाइप वन टाइप टू एक्सपेंशन इन फॉस्फेट बॉन्डेड। कोलॉइडल सिलिका सस्पेंशन एक्सपेंशन होती है और बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जिसके लिए हमें फ्रॉस्टिंग टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके बाद हाइड्रोस्कोपिक एक्सपेंशन भी कुछ हद तक इसके अंदर होती है, और इसके अंदर क्योंकि हम अपनी ये मोनो अमोनियम फॉस्फेट यूज़ कर रहे हैं तो रिलीज ऑफ अमोनिया होगा और वाटर रिलीज होता है उनके अंदर, अमोनिया एंड वाटर रिलीज एट टेम्परेचर अबव 300 डिग्री सेंटीग्रेड लीड टू द थर्मल श्रिंकेज। और इस श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास ये देखिए लिखे हुआ है, मास्ट बाय एक्सपेंशन ऑफ रिफ्रैक्टरी मटीरियल, दैट मीन्स कि जो हमारी क्रिस्टोबलाइट और ये क्रिस्टोबलाइट और क्वार्ट्ज वगैरह यूज़ हो रहे हैं उनकी जब एक्सपेंशन होगी, इन्वर्जन एक्सपेंशन, तो वो मास्क कर देंगे इनको, इसकी श्रिंकेज को वो एक्सपेंड होंगे, रीश्रिंक होंगे, तो दोनों के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ बाइंडर एट हाई टेम्परेचर, बाइंडर डिकम्पोज हो जाता है बिल्कुल, वो कैसे वो पढ़ते हैं, वर्किंग एंड सेटिंग टाइम टेम्परेचर इज इंक्रीज, इफ टेम्परेचर अगर हाई रखेंगे तो फास्टिंग सेटिंग जल्दी होगी और मिक्सिंग जल्दी करेंगे, आपके क्रिस्टल्स टूटेंगे और न्यू क्रिस्टल्स ग्रोथ बनेगी, तो उस तरह भी आपका सेटिंग रेट बढ़ेगा। वाटर पाउडर रेशियो इंक्रीज करने से सेटिंग टाइम डिक्रीज हमेशा करता है, क्योंकि जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो दूर दूर चले जाते हैं और फिर उनको ग्रो करने का टाइम नहीं मिलता और सेट होने के लिए वो डिलीवरी सेटिंग टाइम में चले जाते हैं, वर्किंग टाइम ज़्यादा रखते हैं। उसके बाद इथाइल सिलिकेट बॉन्डिंग मिक्स मटीरियल है, आजकल डेंटिस्ट्री के अंदर सिलिका बॉन्डेड मिक्स मटेरियल इतना यूज़ नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, इतना फॉस्फेट बॉन्डेड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और जिप्सम बॉन्डेड यूज़ होता है। इथाइल सिलिकेट बॉन्डेड मिक्स मटेरियल में सबसे पहले यूज़ फॉर हाई फ्यूजिंग बेस मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं, डेंचर बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इसके अंदर अल्कोहल भी रिलीज होता है, कैसे पढ़ते हैं अभी। कंपोजिशन के अंदर रिफ्रैक्टरी मटेरियल के अंदर पाउडर क्वार्ट्ज क्रिस्टोबलाइट बाइंडर एज अ बाइंडर, इसके अंदर सिलिका जेल जा रही है जो कि बाद में ड्राई हो जाती है, लिक्विड के अंदर इसकी टू बॉटल जा रही है डाइल्यूट वाटर और सॉल्युबल इथाइल सिलिकेट सॉल्यूशन के, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड इंडस्ट्रियल स्पिरिट, वही जाके बाद में अल्कोहल बनाते हैं और फिर फ्लेमेबल अल्कोहल के अंदर ये इसके अंदर एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ग्रीन श्रिंकेज ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर एंड अल्कोहल फ्रॉम द जेल, फिर बाद में जेल ड्राई हो जाती है आफ्टर जनरेशन टू सेटिंग श्रिंकेज। देखिए जब इस मटेरियल के अंदर से वाटर रिलीज होता है और अल्कोहल और स्पिरिट वगैरह रिलीज होता है तो एक तो फ्लेमेबल होते हैं, उनको आग लगती है, और दूसरा उनके अंदर श्रिंकेज होती है, सेटिंग श्रिंकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जो जेल हमारी जो पहले वेट थी वो ड्राई जेल बन जाती है। और एक्सपेंशन इसके अंदर कौन सी होती है, एक तो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन सिमिलर टू जिप्सम और सेटिंग एक्सपेंशन, एडिशन टू अमाइन जो कि पाइपरिडीन है, कॉजेज हाइड्रोलिसिस एंड जिलेशन टू अकर साइमल्टेनियसली, उनके अंदर हाइड्रोलिसिस और जिलेशन साथ साथ होती है और पोरोसिटी फ्री, इनके अंदर कोई पोर्स नहीं होते, सबसे ज़्यादा पोर्स होते हैं जिप्सम बॉन्डेड मिक्स मटेरियल में, उसके कम होते हैं फॉस्फेट बॉन्डेड मिक्स मटेरियल में, और होते ही नहीं है इथाइल सिलिकेट बॉन्डेड में, इसीलिए हम जिप्सम बॉन्डेड के अंदर हम यूज़ करते हैं 6 mm की इन्वेस्टमेंट थिकनेस होती है, सबसे ज़्यादा उससे कम थिकनेस होती है फॉस्फेट बॉन्डेड के अंदर, और सबसे कम थिकनेस हम रखते हैं इथाइल सिलिकेट के अंदर, और उनके अंदर ना सिर्फ थिकनेस कम रखते हैं बल्कि उनके अंदर खुद हमें ये वेंट्स बनाने पड़ते हैं ड्रिल करके, ताकि रास्ता बना सकें, वेंट्स जब बर्न आउट करते हैं तो उसको रिलीज करने के लिए रास्ता मिल सके। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखा हुआ थर्मल एंड हाइड्रोस्कोपिक इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स, थर्मल टेक्निक कास्टिंग रीजन जब कास्टिंग रिंग के अंदर लगाते हैं और बर्न आउट ओवन में रखते हैं तो 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जिप्सम बॉन्डेड के लिए, 700 से 1300 होता है फॉस्फेट बॉन्डेड के लिए, और जो इथाइल सिलिकेट है इसके लिए वेरी करता है। एक्सपेंशन टेक्निक जो कि लो हीट पे होती है, कास्टिंग रिंग इमर्ज इन वाटर हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन के थ्रू होती है, और उसका टेम्परेचर डेफिनेटली लो टेम्परेचर पर वो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन हो जाती है। उसके बाद हीट हाई हीट थर्मल एक्सपेंशन केमिकल रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम सल्फेट और जो कार्बन रेजिड्यू रह जाता है, अगर वैक्स हमारी रिलीज पूरी तरह नहीं हुई तो वो आपको पता है कि सल्फर के ऑक्साइड बनाएगा और वहाँ से कंटेमिनेशन हो जाती है हमारे जो गोल्ड अलॉय या कोई भी अलॉय यूज़ कर रहे हैं।
लो हीट कर रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट डील का टेम्परेचर एकदम चेंज होगा रूम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, तो वो क्रैक आ सकता है इन्वेस्टमेंट डील के लिए। तो उसको कोप करने के लिए हम स्लो हीटिंग करते हैं, ऐसा ऐसा टेम्परेचर डिफरेंस लेके आते हैं। उसके बाद बर्न आउट टेम्परेचर लिखा हुआ है, गोल्ड अलॉय के लिए हम इतना यूज करते हैं, ऑरिक वगैरह प्लेटिनम के लिए 20 मेटल्स के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं। और एट दी एंड इसके अगर मैं फीचर तीनों को कंपेयर करूँ तो जिप्सम बॉन्डेड के अंदर मैंने बार बार बता दिया कि पोरोसिटी ज़्यादा होती है, फॉस्फेट के अंदर कम होती है और इथाइल सिलिकेट के अंदर सबसे कम होती है। जिप्सम का टेम्परेचर कितना होता है, बर्न आउट टेम्परेचर फॉस्फेट का कितना होता है और इथाइल सिलिकेट का कितना होता है, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा जिप्सम में होती है, उससे कम फॉस्फेट में और सबसे कम इथाइल सिलिकेट में। इन्वर्जन एक्सपेंशन तीनों में होती है, सबसे ज़्यादा किस में होती है, और इन्वर्जन आपका जो था एक्सपेंशन बता दिया। उसके बाद थिकनेस, इन्वेस्टमेंट थिकनेस सबसे ज़्यादा किस में होती है, उससे कम उससे कम। और जो लिमिटेशन है इथाइल सिलिकेट की वो ये है कि सबसे सबके अंदर बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जिप्सम बॉन्डेड के अंदर मॉइस्चर एज अ बाई प्रोडक्ट है, फॉस्फेट बॉन्डेड के अंदर आपका अमोनिया एज अ बाई प्रोडक्ट है और वाटर, और जो आपका इथाइल सिलिकेट है इसके अंदर आपका अल्कोहल एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है जो कि फ्लेमेबल है और इसीलिए इसको यूज़ नहीं करते, और ये एक्सपेंसिव है और क्रिटिकल है इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। तो दैट वॉज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट मटीरियल्स, आई होप के आपको समझ आ गया होगा।